उधर बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती से भी एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कई मुद्दों को लेकर कहा, सुनिए। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती जो है वो जनता टीवी से बात करने के लिए मौजूद है। सत्ती साहब, विपक्ष कई तरह की बातें जो है सत्ता पक्ष से कह रहे हैं, क्या आधार है उन बातों का, ये सत्ता पक्ष पूछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में थी लेकिन विपक्ष में हम लोग आए, हम अपनी जिम्मेवारी को, हमारी भूमिका को हम बड़े जिम्मेदारी ढंग से निभा रहे हैं, निभाना शुरू किया है। सत्ता पक्ष में दूसरे की सुन नहीं रहा है, कोई मान नहीं रहा है। आप स्वयं देख सकते हैं पिछले 25 दिनों से उनका कैबिनेट नहीं बना है और स्पीकर भी उन्होंने अभी बनाए हैं इतने दिनों के बाद, और शायद सेशन नहीं होता तो अभी स्पीकर भी उनके फाइनल नहीं होते, तो उसके कारण सरकार नाम की को कहीं चीज नहीं है। लेकिन गलत निर्णय लेकर के इंस्टीट्यूशंस को डीनोटिफाइड करके अनेकों गांवों में, अनेकों शहरों के अंदर इन्होंने लोगों को परेशान किया हुआ है। उसी का परिणाम है कि 10 दिनों के अंदर लोग सड़कों के ऊपर आ गए। ये हिमाचल के इतिहास का पहला शायद इतिहास होगा कि 25 दिनों तक कैबिनेट नहीं बना और स्पीकर बनने के लिए कोई तैयार नहीं था, ज़बरदस्ती बनाए गए और उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन को डीनोटिफाई कर दिया, और जो जेन्युइन काम है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने आज महामहिम गवर्नर महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो मुद्दे रखे हैं वो तर्क संगत है, और अभी समय कम है, आगे जो बजट सेशन आएगा उसमें हम इन चीज़ों को विस्तार से रखेंगे। बहुत गड़बड़ पिछले एक महीने के अंदर पूरे हिमाचल में इस गवर्नमेंट के कारण हो रही है। सत्ता पक्ष तो ये कह रहा है जल शक्ति मिशन के अंदर पाइपों के घोटाले, बहुत बड़े तरह लेवल का ये घोटाला है, इसकी जाँच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनको आइडिया ही नहीं है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के हर घर तक नलके पहुंचाने के लिए, घर घर तक मुफ्त में नलके लगाने के लिए 3.25 लाख करोड़ का बजट रखा था केंद्रीय बजट में। उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में 2600 करोड़ रुपये इस मिशन के अंतर्गत आया, और हिमाचल प्रदेश में 7.5 लाख नलके अभी तक लगे हुए थे लोगों के घरों में, और 8 लाख से ज़्यादा नलके पिछले 1.5 साल के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट ने लगाए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बिना पाइपों की खरीद के क्या वो नलके लग सकते थे क्या, कोई जादू की छड़ी हो? तो इसलिए ये खरीद फरोख्त के चक्कर में जो ब्लेम लगा रहे हैं, इनको स्वयं ध्यान में ये देना चाहिए। 50 वर्षों तक हिमाचल में कांग्रेस की गवर्नमेंटें रही है, 7.5 लाख तक जो पहुंचे थे उसमें भी मैक्सिमम बीजेपी के टाइम पर लगे थे। अभी हमने 1.5 वर्ष के अंदर जब जल जीवन मिशन आया उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने अनेकों घरों के अंदर नलके लगाए, लगभग 7.5 लाख मेरी अपनी काशी उसमें 12.5 हज़ार लोगों के घर में लगे। अब उसकी इंक्वायरियों में जाएंगे तो मुझे लगता है इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। पाइपें अगर खरीदी गई हैं तो लोगों के हित में खरीदी गई हैं, और आगे लगनी है तो लोगों के हित में लगनी है। कोई घर को तो उठा के ले गया होगा तब तो इंक्वायरी जरूरी है, लेकिन अगर वो पड़ी है डिपार्टमेंट के अंदर तो उसकी किस चीज़ की इंक्वायरी करते हैं, और करें अगर इनको लगता कुछ गड़बड़ हुआ तो करें। इनसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। सतपाल सत्ती, कई तरह की बातें जनता टीवी से इन्होंने की है। कैमरा रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, धर्मशाला।